नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है ये पॉलीकैप कंपनी का एलईडी बल्ब। दोस्तों, ये नॉर्मल एलईडी बल्ब नहीं है, ये रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है। लेकिन ये इसका मॉडल देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये रिचार्जेबल है, लेकिन ये बहुत ही भारी है और जो कस्टमर है उन्होंने बताया ये रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है। लेकिन इस बल्ब में प्रॉब्लम ये है, आपको मैं बिजली में ला के दिखा देता हूँ कौन सा प्रॉब्लम है। और ये बल्ब देख लीजिए, पॉलीकैप का 9 वाट का है, ठीक है। और इसमें इसको मैं बिजली में लगाता हूँ सबसे पहले और देखेंगे आप क्या प्रॉब्लम है। देखिए, बिजली में लगा दिया और देखिए बहुत ही धीमा ग्लो कर रहा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? इस तरह का बल्ब मैं पहली बार रिपेयर कर रहा हूँ, शायद ये रिपेयर भी ना हो क्योंकि इस तरह का मॉडल मैं पहली बार देख रहा हूँ। जनरली मैं दूसरा मॉडल का एलईडी बल्ब को रिपेयर किया हूँ रिचार्जेबल, लेकिन देख सकते हो ये स्प्लैश प्रूफ है, मतलब इसके ऊपर अगर थोड़ा सा पानी भी गिर जाता है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इस तरह से डिजाइन बनाया गया है। लेकिन जनरली इस तरह का एलईडी बल्ब मिलता है रिचार्जेबल मार्केट में, ठीक है। लेकिन इसमें देख सकते हो कोई भी बाहर से होल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो दोनों में होल है वेंटिलेशन के लिए। लेकिन इसमें वेंटिलेशन के बजाय हीट सिंक दिया गया है, इसके अंदर हीट सिंक है मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत ही लंबा हीट सिंक, मतलब पूरा ही हीट सिंक, ठीक है। तो ये अच्छा सिस्टम है, इसमें ज़्यादा हीट डिस्ट्रीब्यूट होगा और कूल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले डिफ्यूजर को मैं हटाता हूँ, क्योंकि इस डिफ्यूजर को ऑलरेडी हटाकर तोड़ दिया है जो कस्टमर है, तो इसीलिए आसानी से हट जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों, इसको मैं पहले भी एक बार हटा कर देख लिया हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हटा हुआ था, ग्लू नहीं था, इसीलिए देख लिया हूँ। नहीं तो मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ वो कैमरा के सामने बनाता हूँ, मुझे भी पता नहीं रहता है क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए, इस डिफ्यूजर को तो खोल दिया, उसके बाद मैं बिजली में लगाता हूँ और देखता हूँ ये कितना ग्लो कर रहा है। बिजली में लगा दिया, थोड़ी देर बाद देख सकते हो थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, ठीक है। साइड का जो एलईडी है ना वो एसी के लिए, बिजली के लिए, और जो मिडिल का है ना वो बैटरी के लिए, तो बैटरी से भी नहीं चल रहा है। और ये बल्ब बहुत ही पुराना है, बैटरी से भी नहीं चल रहा है। इसको अगर मैं शॉर्ट करता हूँ, यहाँ पर प्रॉपरली शॉर्ट करता हूँ, तो फिर भी नहीं चल रहा है, मतलब बैटरी भी ख़त्म है और कुछ प्रॉब्लम भी है शायद, मुझे भी नहीं पता दोस्तों। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले यहाँ पर से स्क्रूज को खोल लेता हूँ, अंदर देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है आखिर। तो यहाँ पर से दोनों स्क्रूज को खोल लेता हूँ दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बल्ब रिपेयर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हर बार रिपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर एक एलईडी अलग अलग टाइप का होता है और सभी के बारे में हमको पता नहीं रहता है। हमको क्या, बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं रहता है अंदर कैसा सर्किट बनाया है, कंपनी ही जाने। लेकिन हम कुछ इस तरह से जनरल नॉलेज से रिपेयर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जितना भी पता है हमें उस तरह से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हो पाता है कि नहीं। तो हमारा जो नॉलेज है, यहाँ पर 3 वायर है, ठीक है ना, एक कॉमन रहता है जो नेगेटिव है, कॉमन रहता है, और एक वायर है जो बैटरीज के एलईडी से उसको जलाने के लिए, और दूसरा वायर है एसी से जो चलता है उसको चलाने के लिए बिजली से, ठीक है। तो एक कॉमन रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर से तो डिसोल्डर करना पड़ेगा सबसे पहले। वायर का कनेक्शन देख लेते हैं कौन सा कलर का है कहाँ पर। जी हाँ, इधर है व्हाइट कलर का और मिडिल में है रेड और इधर है ग्रीन, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट या नहीं, इसका एक तस्वीर ले लेता हूँ मैं, उसके बाद डिसोल्डर करूँगा, नहीं तो बाद में अगर इसको लगाने जाऊँगा ना प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। दोस्तों, मैं क्यों यहाँ पर तस्वीर लेने को बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जनरली बहुत सारे बल्ब में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है
लेकिन इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ कि मेरा से अरे किधर गया। हाँ ठीक है, तस्वीर खींच लिया, तो इसको इस रख दूंगा मैं और बाद में देख लूंगा। तो यहाँ पर से डिसोल्डर कर देता हूँ। क्योंकि अगर इसको डिसोल्डर नहीं करेंगे तो इसको खोल भी नहीं सकते हैं, ड्राइवर सर्किट में क्या प्रॉब्लम है वो भी देख नहीं सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज देखना था हमें, वोल्टेज नहीं देखा मैं, वोल्टेज को देख लेता हूँ पहले। ठीक है, ये तो मैं गलती कर रहा था, वोल्टेज पहले देख लेता हूँ यहाँ पर आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो दोबारा बिजली में लगाता हूँ। ठीक है, बिजली में लगा दिया और उसके बाद मल्टीमीटर को ले लेता हूँ और मल्टीमीटर को मैं 200 वोल्ट डीसी पे सेट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं रेंडमली लगाता हूँ। वोल्ट दोस्तों, वोल्टेज कम आ रहा है, मुझे पहले ही डाउट था इसीलिए मैं डिसोल्डर कर रहा था। ठीक है, 37 वोल्ट बहुत ही कम आ रहा है। और दोस्तों, वो सभी जो एसएमडी एलईडी से ना, उसको भी एक बार शॉर्ट करके देख लेते हैं अगर कोई भी खराब होगा। नहीं, ये खराब नहीं है, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर दो दो पैरेलल में है और सीरीज बनाया गया है, देख सकते हो सभी। ठीक है, यहाँ पर दो दो एसएमडी एलईडी को पैरेलल में लगाया गया है और उसके बाद सीरीज में लगाया गया है। तो यहाँ पर जो एसएमडी एलईडी से ना, ठीक ही है, देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम है ड्राइवर में ही, वोल्टेज कम आ रहा है। ठीक है ना, तो ये डाउट भी क्लियर हो गया। सोल्डर कर लेते लेते डिसोल्डर कर लेता हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है ना, देख के ही पता चल जाता है कि एसएमडी एलईडी ठीक है कि नहीं, इसीलिए मैं जल्दी काम करने के लिए मैं डिसोल्डर करने लग गया था। ठीक है, एमसीपीसीबी को हटा दिया। ओके, ये ठीक है एक्चुअली। प्रॉब्लम है अंदर का, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। ये जो टिक्की है इसको भी हटा लेते हैं, शायद ये हट जाएगा प्लायर से खींचने से, क्योंकि इधर जो टिक्की है थोड़ा सा निकला हुआ है। तो प्लायर की मदद से कोशिश करता हूँ, शायद निकल जाए। जी हाँ, निकल गया। अरे दोस्तों, ये क्या निकला, ये एक इंसुलेशन दिया गया था टिक्की में, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एलईडी बल्ब है, बैटरी भी लगाया है, बिल्कुल छोटा है, इसीलिए मेरा ड्राइवर, देखता हूँ ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम है या क्यों ऐसा अजीब ग्लो कर रहा है। देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था, अंदर से हीट सिंक है पूरा ही एल्यूमिनियम का, देख सकते हो अंदर पूरा ही एल्यूमिनियम से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, हाई क्वालिटी। बैटरीज भी है बहुत बिग साइज का, 18650 हाई क्वालिटी का बैटरीज है, 2200 मिली एम्पियर का, आप देख सकते हो 3.7 वोल्ट। तो आखिर ड्राइवर में क्या प्रॉब्लम है इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर से मैं वायर को हटा लेता हूँ पहले बैटरी का। ओके,
और इस साइड में देखता हूँ आखिर क्या प्रॉब्लम है, जला है तो नहीं कुछ, यार तो कुछ भी जला दिखाई नहीं दे रहा है। इधर से ड्राई शोल्डर तो नहीं है, वो भी देख लेते हैं। मैं पहले देख लेता हूँ आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैं दोस्तों इस बल्ब को टेस्ट करने के लिए मेरा स्पेशल गैजेट को निकालना पड़ा। ये एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये बहुत ही लो वाट का है, ठीक है, जिस वजह से हमारा जो एलईडी बल्ब है अगर शॉर्ट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो बहुत ही देख सकते यहाँ पर स्विच दबाने से यहाँ पर आउटपुट आएगा, लेकिन 110 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो उसी में हम टेस्ट करेंगे, किसी भी एलईडी बल्ब को आप 110 वोल्ट से 220 वोल्ट तक चेक कर सकते हो या जला सकते हो। तो वहाँ पर ही लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जो MCPCB है उसको दोबारा लगा दिया हूँ और बैटरी को भी निकाल दिया हूँ, क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज है ना बहुत ही डाउन हो गया है। तो आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर दिया DC। आप देखिए वोल्टेज कितना वोल्टेज है बैटरी में, बैटरी बिल्कुल वोल्टेज जो है ना उसका डाउन हो चुका है। नेगेटिव को लगाता हूँ, देखिए 1 वोल्ट हो गया है बैटरी का, सिर्फ 1 वोल्ट। देखिए देखिए जो कि लगभग 3.7 वोल्ट का होता है नॉमिनल वोल्टेज, कम से कम 3.5 वोल्ट होना चाहिए, उसके बाद ही एलईडी बल्ब खुल करेगा। तो बैटरी तो डाउन है, इसीलिए मैं बैटरी को भी खोल दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रॉब्लम आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आखिर इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैं टेस्ट किया हूँ और यहाँ पर सभी कंपोनेंट को मैं देख लिया हूँ, सभी कंपोनेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ही कंपोनेंट यहाँ पर खराब हुआ है। देख सकते हो कुछ भी जला हुआ भी नहीं है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम कम ही आता है। जो बल्ब बहुत ही पुराना होता है ना उसी बल्ब में इस तरह का प्रॉब्लम दिखाई देता है, जो कि हाई क्वालिटी का बल्ब होता है उसमें ही। तो इसको मैं बिजली में लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, इसमें हमारे टच करने से भी शॉक नहीं लगेगा हमको, सेफ्टी के लिए मैं बनाया हूँ स्पेशल गैजेट, इसका भी वीडियो देख सकते हो चैनल पे है। तो यहाँ पर किसी भी एक वायर को टच करने से हमें शॉक नहीं लगेगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से घुमा सकता हूँ, हाथों से भी टच कर सकता हूँ। तो देखिए हमारा जो वो यहाँ पर स्विच देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर स्विच दे दिया और देखिए थोड़ी देर बाद हमारा जो MCPCB है ग्लो किया, देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो IC है ना वो खराब लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ किधर गया। देखिए टेस्टर है, यहाँ पर मैं IC का जो यहाँ पर कनेक्शन है ना पोजीशन है पर मैं शॉर्ट करता हूँ। देखिए शॉर्ट करने से ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है हमारा जो IC है ना वो स्विचिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बाक कन्वर्टर लगाया जाता है जो कि स्विचिंग के मदद से वोल्टेज को कम करता है, लेकिन हमारा जो मेन IC है स्विचिंग का वो स्विचिंग नहीं कर रहा है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं करता है। एक्चुअली जो हमारा AC वोल्टेज आता है ना उसको DC में बनाया जाता है और DC से फिर इसको स्विचिंग किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर DC बनाया जाता है फिल्टर की मदद से। मुझे लग रहा है इसका IC खराब है। तो इस तरह का जो IC है मेरे पास नहीं है, तो सैडली मैं इस LED बल्ब को रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ऐसा हर बार नहीं होता है, हर बार हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में इस IC को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर सेम टू सेम मैं दिखाई देता है किसी भी LED बल्ब में तो वहाँ पर से लगा दूंगा। इसका नंबर भी है, नंबर भी आप देख सकते हो IC का कौन सा नंबर है, और बैटरी को भी थोड़ा सा चार्ज करके लगाना पड़ेगा। इस बार देखिए दोस्तों बैटरी को मैं थोड़ा सा चार्ज करके दोबारा लगा दिया हूँ सर्किट के साथ, और देखिए अभी ग्लो कर रहा है बैटरी से, ठीक है।
बैटरी से ग्लो कर रहा है लेकिन बिजली से नहीं ग्लो कलर कर रहा है, क्योंकि इसका आईसी का प्रॉब्लम है। तो एक काम करूंगा दोस्तों, जो दूसरा एलईडी बल्ब है ना, नॉर्मल एलईडी बल्ब, उसका ड्राइवर से आईसी को निकाल के यहाँ पर लगा दूंगा तो रिपेयर हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो तो इतना ही था, इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।